इस दुनिया को विध्वंस से बचाने का एकमात्र मार्ग अहिंसा। आज मानव ने अंतरिक्ष को छू लिया है, पर मानवता रसातल में जा पहुंची है। मारकाट, लूटपाट, आगजनी और हिंसा, कभी धर्म और जाति के नाम पर, तो कभी सत्ता और संपत्ति के नाम पर, क्रूरता और बर्बरता का खुला तांडव, मानवता का विकृत होता चेहरा, चारों ओर मौत का सन्नाटा, यही है आज का घिनौना सत्य। पर हिंसा के इस घोर अंधकार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अहिंसा की मशाल हाथ में थामे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसी ही अनूठी शख्सियत का नाम है आचार्य श्री महाप्रज्ञ। हिंसा के बादल छटे, नफरत का कोहरा मिटे, प्रेम और सद्भाव का नया सूरज उगे, यह इनका एक खूबसूरत सपना। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आचार्य श्री ने प्रारंभ की है अहिंसा यात्रा। तो हमारी अहिंसा यात्रा का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं कि मत मारो, ये बताना है। हमें हिंसा के कारणों की खोज करनी है। एक प्रकार से तो मैं मानता हूँ यह यात्रा एक अनुसंधान की यात्रा है, रिसर्च की यात्रा है। एक प्रोजेक्ट मान ले इसको आप, एक अहिंसा का प्रोजेक्ट है जिसमें सब बातों का अध्ययन किया जा रहा है। और उस अध्ययन को एक समाजवाद के स्तर पर, क्यों मैं मानता हूँ कि मैं समाजवाद साम्यवाद में बहुत विश्वास करता हूँ, उस प्रणाली को बहुत अच्छा मानता हूँ, तो उस स्तर पर प्रस्तुत करना कि आदमी आदमी के साथ कैसा व्यवहार करे। सुजानगढ़ से प्रारंभ हुई यह अहिंसा यात्रा अपने आप में विलक्षण है। अहिंसा यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज जगह जगह कोला बारूद बनाने का, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, पर यह है एक अनोखी यात्रा जिसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है अहिंसा का। इस यात्रा में खोजा जा रहा है हिंसा के कारणों को, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और अज्ञानता ये जन्म देती है हिंसा को, और इन कारणों को दूर किए बिना अहिंसा के वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ हमारी यात्रा में जितने भी गांव आएंगे उसका पूरा दर्पण, इतना शायद सरकार के पास भी नहीं होता, हमारे पास हो जाएगा। क्या स्थिति है, 25-30 कोष्ठक बनाए हुए हैं, पूरे गांव का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अहिंसा की चर्चा करने से नहीं होगा जब तक हिंसा के कारणों का निवारण नहीं होगा, उन निवारण का उपाय नहीं खोजा जाएगा तब तक समाधान नहीं होगा। हमने गांव वालों से पूछा, आपके यहाँ जातीय समस्या कैसी है, आपके यहाँ सांप्रदायिक समस्या कैसी है, आपके यहाँ गरीबी की समस्या कितनी है कि जिनको रोटी भी नहीं मिलती, पानी की क्या समस्या है, आदि आदि सारी बातें। अगर आज गांव में यह जातिवाद का
झगड़ा न रहे, यह सांप्रदायिक झगड़ा न रहे, सब भाई भाई मिलकर रहे तो विकास करने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। ये यात्रा आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी है, उसकी समस्याओं से जुड़ी है। कार्यकर्ता हर गांव में जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग किसी व्यसन के शिकार हैं, कितने शोषित हैं, कितने अशिक्षित, और इन्हीं आंकड़ों में उभर कर आएंगे हिंसा के मुख्य कारण। आज आतंकवाद ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये देश जो हालात से गुजर रहा है वो आपके सामने है, और मेरी अपनी प्रतिबद्धता है कि अहिंसा को हम कैसे जीवन में अपनाएं। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से जो अहिंसा यात्रा प्रारंभ की है 3 साल के लिए, एक नए रूप में एक शक्ति का प्रयोग होगा। अहिंसा का संदेश आप गांव-गांव में पहुंचाने में आप कामयाब रहेंगे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा आप देश की कर सकेंगे। मैंने देखा अभी एक नोट मेरे पास आया, अहिंसा यात्रा के अनुभव के रूप में एक पेज का, गांव में क्या समस्याएं हैं, पानी की क्या है, बिजली की क्या है, सड़क की क्या है, अहिंसा यात्रा के माध्यम से वो तमाम बातें भी नोट की जा रही है, मेरे पास भेजा गया अभी, मैंने देखा नोट को और मुझे खुशी हुई। कोरे उपदेश में हमारा विश्वास नहीं है, मैं मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अगर अहिंसा का विकास करना है तो अहिंसा का प्रशिक्षण अनिवार्य है। हमने नागौर जिला की यात्रा की और वहाँ के सब लोगों का, गांवों का, अगर कोई देखे दलाई लामा का आया कि हम देखना चाहते हैं, अडवाणी जी का भी है, हमने कहा बड़े शहर में मत आना, देखना हो तो गांव की यात्रा देखना। और गांव के लोगों ने जो भाग लिया, क्योंकि हमने कहा कि केवल मत मारो, इतने में अहिंसा को सीमित मत करो, समस्या क्या है जीवन की, हिंसा क्यों पैदा होती है, इन सब पर विचार करो। इस यात्रा की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर लोगों को सिर्फ उपदेश नहीं दिए जाते, केवल भाषण नहीं दिए जाते, यहाँ सिखाई जाती है जीवन जीने की कला। हिंसा में विश्वास रखने वाले कैदियों को भी यहाँ मिलता है प्रशिक्षण, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। यहाँ कराए जाते हैं कुछ ऐसे प्रयोग जिनसे क्रोध, लोभ, अहंकार पर काबू पाया जा सके, कुछ ऐसे प्रयोग जिनसे प्रेम, मैत्री और करुणा का विकास हो। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ लिए जाता है कुछ अनमोल जीवन सूत्र, कुछ मीठे एहसास। सीधे साधे काम वालों से आत्मीयता भरा रिश्ता जोड़ा जाता है, उन्हें व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। आदमी के जीवन में अहिंसा की चेतना जागृत है, उस संदर्भ में आवश्यक है कि आदमी ईमानदारी का जीवन जिए और गुस्सा छोड़े, नशा छोड़े। इतनी चीजें आदमी ईमानदार बन जाए, नशा मुक्त रहे और शांत रहे तो जीवन अच्छा बन सकता है। तो खास इनमें भी एक अभी खास एक ही बात है कि नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि हैं, गर्दा काम सब, गुटका, चुटकी, खैनी, इन सबको छोड़ना चाहिए। आप इतने लोग हैं, आप में से कौन कौन संकल्प ले सकता है कि नशा नहीं करेंगे? बोलो कौन कौन? मैं नहीं करूँगा। वो त्याग है, त्याग है, क्यों नहीं करना? त्याग है, त्याग दो, बोलिए सब, त्याग दो भाई, त्याग दो, मुक्ति में जा, गरीबी कम होती है, त्याग तो त्याग, त्याग ठीक है, ठीक है ना। बोलो गुरु महाराज की, गुरु महाराज की। एक पड़ोसी की जिद ने हिंदुस्तान की सीमाओं को युद्ध का मैदान बना दिया है।
जब पड़ोसी युद्ध करने पर उतारू हो तो भला भारत के विदेश मंत्री अहिंसा के गीत कैसे गुनगुनाए? सचमुच एक बहुत बड़ा प्रश्न। संतन स्वामी, मैं महाराज माफ कराई जो कूड करूं तो फिक्र करूं। मारे तो मन में हिंसा आवे, मारे मन में हिंसा आवे। पाकिस्तान जब जून जिन तरीके हूं हम पाने रह रहे तंग करे तो मैं तो साजी साची आपने अर्ज करूं, मारे मन में तो अहिंसा भाव तो नहीं रहे। मैं करूं क्या ही, अब अहिंसा लाऊ कटू तो आप सभी मैं झूठ बोलू तो खबर आप अच्छा तुम्हारा एक तो मारी इन शंकर आप समाधान कराओ। कर्तव्य माने करना है, हरिन भाई ने करना है, मने ही करना है, कोई बुरु जन्म ना रहे, कर्म के कारण और कर्तव्य करना, देश की सेवा करनी, देश की सेवा की कर करूं जब देश माते इन तरीके हूं रह रहे ना हम लोग हैं, की कर करूं अहिंसा भाव हूं की कर करूं। आज समस्या है, इन समस्या और मार्ग समाधान हो तो आ जाए हिंसा बंद हो जाती, हिंसा नहीं वे और तो संदेश आप देश दे सके और कोई नहीं दे सके। अगर आप हिंदुस्तान को अपना रखना चाहते हैं तो हिंसा आपके लिए अनिवार्य हो गई, हमें अटपटा क्यों लगे, ये तो अनिवार्यता है। और अगर आप कहते हैं हिंदुस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं तो फिर आपको हिंसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें इस पर बहुत स्पष्ट रहना चाहिए, हम अहिंसा को उलझाए नहीं और उस सीमा की बात को सामने रखकर जीवन में हिंसा चलती रहे उस ओर आंख भी न मूंदे। हम शुरू करें अपने जीवन से, व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का विकास कैसे हो, पारिवारिक जीवन में अहिंसा का विकास कैसे हो, संस्थागत जीवन में अहिंसा का विकास कैसे हो। जब पार्टियां और दल आपस में भी कितने लड़ते रहते, कैसे हिंसा का विकास हो, अहिंसा का विकास कैसे हो, और परिवार समाज में राष्ट्र में अहिंसा का विकास कैसे हो, इन सब बातों को गौण कर और सीधा ध्यान युद्ध और सीमा पर चला जाता है। वह तो कदाचित घटना है, कभी कभी होने वाली घटना है, हमारा ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए। प्रारंभ कहां से करें? एक व्यक्ति अहिंसा का प्रारंभ नहीं करता और उसमें उलझ जाता है।